तो आखिरकार गौतम की हुई कनिका। कनिका कपूर को मिल ही गया उनका सच्चा प्यार। मंगेतर गौतम के साथ सिंगर कनिका कपूर ने लंदन में लिए साथ फेरे। लीजिए, जिन तस्वीरों का कनिका कपूर के फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो अब सभी के सामने है। 20 मई को कनिका कपूर लंदन में अपने NRI बिजनेसमैन मंगेतर गौतम हाथीरमानी के साथ सात फेरों के बंधन में बंध गई हैं। कनिका और गौतम की ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सभी का प्यार बटोर रही हैं। इनके अलावा शादी का एक इनसाइड वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वेडिंग हॉल में कनिका को एंट्री करते देखा जा सकता है। अपनों के आशीर्वाद और प्यार की छांव तले कनिका अपने दूल्हे राजा गौतम की तरफ कदम बढ़ाती हैं। वीडियो में कनिका और गौतम की जयमाला की रस्म होते हुए भी दिख रही है, जहां कनिका को परेशान करने के लिए गौतम वरमाला पहनने से पहले अपनी गर्दन पीछे खींच लेते हैं, बाद में फिर खुशी खुशी कनिका के सामने सिर झुका देते हैं। तो एक तस्वीर सात फेरे के रस्म की है। इनके अलावा सिंदूरदान की रस्म की तस्वीर भी सभी का ध्यान बटोर रही है। पेस्टल पिंक लहंगे में कनिका किसी अप्सरा से खूबसूरत नहीं दिख रही हैं। उनके लहंगे पर व्हाइट और गोल्डन जरी का काम हुआ है। सिर पर चूनर, माथे पे टीका लगाया है। गले में उन्होंने डायमंड पर्ल्स और रूबी जड़ा चोकर हार पहना है। इसके साथ ही उन्होंने टू लेयर लॉन्ग हार भी पहना है। हाथों में गुलाबी चूड़ा और हैवी कलीरे भी कनिका ने पहने हुए हैं। तो वहीं गौतम ने व्हाइट शेरवानी पहनी है और सिर पर व्हाइट साफा बांधा है। गौतम ने अपने दुल्हा लुक को डायमंड और रूबी से जड़े हार से कंप्लीट किया है। कनिका कपूर की शादी में बॉलीवुड से सिंगर मनमीत सिंह भी पहुंचे। मनमीत ने न्यूली मैरिड कपल के साथ भी अपनी तस्वीर शेयर की है। बता दें कि कनिका कपूर और गौतम एक दूसरे को बीते एक साल से डेट कर रहे थे। कुछ वक्त की डेटिंग के बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया था। कनिका कपूर के हस्बैंड गौतम हाथीरमानी एक NRI बिजनेसमैन हैं। वो लंदन से हैं। वो डाना ग्रुप ऑफ कंपनीज के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये कंपनी एविएशन, ऑटोमोबाइल, हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। ये कनिका की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में लंदन के रहने वाले राज चंदोक के साथ हुई थी। शादी के बाद कनिका 3 बच्चों की माँ बनी। हालांकि पहली शादी में वो पति के धोखे का शिकार हुई थी। 12 साल के बाद ही कनिका और राज की शादी टूट गई थी। शादी के बाद कनिका डिप्रेशन में भी चली गई थी। हालांकि अब कनिका ने गौतम संग अपनी शादी की नई शुरुआत की है। हमारी तरफ से भी गौतम और कनिका को उनकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।